वेलकम टू द सेशन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का वो पार्ट जो सेशन में नाउन से रिलेटेड है। नाउन से पहले भी हम बात कर चुके हैं नाउन के लिए, लेकिन नाउन के लिए इसके अलावा जो है यूनिवर्सल वोकैबुलरी भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। इस समय जो आपके सामने ये यूनिवर्सल वोकैबुलरी का पार्ट आ रहा है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ रहा है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आने वाले समय में ये मुश्किल क्वेश्चंस के रूप में आएगा, और स्पेशली जब ये आएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड करते जाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं ये सब आते हैं। लेकिन क्योंकि बैंक में मैक्सिमम वोकैबुलरी का पार्ट जो होता है वो स्पेशली रिलेटेड होता है, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर या इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर से लिया गया होता है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। अभी सिंपल वर्ड्स से चल रहे हैं, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू टेक केयर ऑफ एंड दैट वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, इससे जनरल वर्ड्स को लेकर के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस जो पैराग्राफ से लिए गए उनका वोकैबुलरी वाला पार्ट यूनिवर्सल वोकैबुलरी के तहत आएगा पहले, और उसके बाद फिर हम नाउन के बाकी रिमेनिंग पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ समय से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम उसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। एवरी चैप्टर विल बी कवर्ड टू द बेस्ट पॉसिबल डिटेल ऑफ इट्स ग्रामेटिकलिटी एज गुड एज इट शुड बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिवर्सल वोकैबुलरी वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल वोकैबुलरी में जो वर्ड आपके सामने आपको दिख रहा है, देखिए वोकैबुलरी थ्रू सिनोनिम्स। भाई सिनोनिम्स आपको हम ऐसे लिखा भी सकते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका रीजन यह है कि वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको अगर हम लिखवा भी देंगे तो आप उन्हें याद नहीं रख पाएंगे जब तक आप उन वर्ड्स को बार बार रिपीटेडली कई बार क्वेश्चंस के थ्रू ना देखें और अलग अलग क्वेश्चंस में ना देखें। तो आज का पहला वर्ड है चर्च यार्ड। ध्यान रखिएगा, चर्च एक पॉजिटिव वर्ड है लेकिन जब यार्ड वर्ड इसके साथ ऐड हो जाता है तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो चर्च वर्ड जो है हम सब जानते हैं, टेम्पल, चर्च, अ प्लेस वेयर यू प्रे टू गॉड, ठीक है उसे कहते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन चर्च यार्ड कहा तो मीनिंग बदल सकता है। देखिए पहला मीनिंग कोर्ट हो सकता है, दूसरा हैंगर हो सकता है, तीसरा हाउस, तो चौथा सिमेट्री और हाउस ऑफ गॉड, ठीक है फिफ्थ। तो वी हैव फाइव ऑप्शंस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि अब क्योंकि हमने बताया था आपसे पहले भी कि धीरे धीरे ट्रिकी क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे जिसमें कई बार वोकैबुलरी के वर्ड्स इतने क्लोज होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। जब तक आप उसको प्रॉपरली मीनिंग के बेस पर सही से नहीं जानते होंगे, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द रियल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, तो देखिए चर्च यार्ड जो है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। कोर्ट हम जानते हैं न्यायपालिका से संबंधित है, न्यायालय हो गया। हैंगर जो वर्ड है इसका मीनिंग कुछ लोगों को पता है कुछ नहीं। अच्छा देखिएगा, अगर एच ए एन जी ई आर लिखते तो हैंगर वो हैंगर होता है जिसमें आप कपड़े सुखाते हैं, ठीक है वो मीनिंग हो जाता है। ठीक है, रितिका जी वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी विद द आंसर। अनु जी वेरी गुड मॉर्निंग, और यमनी जी आपका भी स्वागत है सेशन में, थैंक यू फॉर दी बींग देयर। हैंगर और एच ई एन जी ई आर और ए आर में अंतर है। ठीक है, हाउस है, सिमेट्री है, हाउस ऑफ गॉड है, जिसके लिए रितिका जी ने अपना आंसर पहले ही सबसे पहले दे दिया है सिमेट्री। लेट्स सी कि यमनी जी क्या आंसर देते हैं। और हाउस ऑफ गॉड फिफ्थ ऑप्शन कहा है यमनी जी ने। देखिए मैंने कहा था ट्रिकी है और सब लोग ट्रिक हो नहीं होते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं ट्रिक कुछ लोग नहीं होते हैं। तो चर्च जब तक हमने कहा है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब तक हमने कहा चर्च तो ये तो हाउस ऑफ गॉड हो गया, जैसे ही यार्ड लगाया तो यार्ड लगाते ही मीनिंग पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे ही आपने कहा चर्च यार्ड तो मीनिंग हो गया सेमेट्री, मतलब कब्रिस्तान या उस जगह पे जहां पर जो है डेड को बरी किया जाता है। चर्च के पीछे एक साइड ऐसी भी होती है जो एक एरिया पर्टिकुलर होता है जहां पर चर्च के पास जहां पर उनके यहाँ जो है बरियल्स होते हैं, बरी किया जाता है जो है लोगों को जो लोग मरे हैं।
तो जिनकी डेथ हुई है। तो यहां पर चर्च यार्ड जब आप कहेंगे तो ध्यान रखिएगा, यार्ड का मतलब सिमेट्री हो जाता है, मतलब ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड जो वर्ड है कब्रिस्तान, वही मीनिंग होगा इसका। ग्रेवयार्ड कहें, सिमेट्री कहें या चर्च यार्ड कहें, अगर आपको ध्यान होगा तो पीट सिमेट्री नाम की एक हॉरर मूवी भी आई है इंग्लिश में, हॉलीवुड मूवी है पीट सिमेट्री, वहाँ भी सिमेट्री जो है दैट इज़ चर्च यार्ड या ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो इसका मीनिंग तो ये था, हाउस ऑफ गॉड दैट इज चर्च, चर्च का मतलब हाउस ऑफ गॉड। हैंगर का मतलब अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। अगर आप कहते हैं कि एरोप्लेन को रखने के लिए कोई जगह बनाई जाए जहां पर एरोप्लेन को जो है सुरक्षित रखा जाए, चारों तरफ से कवर्ड हो उस जगह को, और बहुत बड़ा एरिया हो, क्योंकि भाई एरोप्लेन तो बहुत बड़ा होगा, तो उस जगह को जहां पर एक एरोप्लेन को या एयरक्राफ्ट को या बोइंग एयरक्राफ्ट जो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होता है उसे रखा जाता है चारों तरफ से कवर्ड एरिया में, जिसका बहुत अच्छा जो एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया होता है उसे हैंगर कहा जाता है। HANGAR याद रखिएगा, ER करेंगे तो हैंगर वो हो गया जिसमें कपड़े सुखाते हैं, दोनों में ER AR में बहुत बड़ा अंतर है। तो मीनिंग में ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग, स्पेलिंग का बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है, स्पेलिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए आंसर क्या निकला, दैट इज सिमेट्री, रितिका जी आप सही थी। अगला वर्ड है कजोल, ओके, हाउस ऑफ गॉड एरिया ऑफ लैंड दैट इज अराउंड अ चर्च, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल आंसर आपने सही प्रोवाइड किया है। अब देखिए अगला वर्ड है कजोल, आप इसे फिल्म एक्ट्रेस से कंपैरिजन में मत रखिएगा, ठीक है। पहला वर्ड है इसके लिए परसुएट, दूसरा है पुश, तीसरा है फोर्थ, चौथा है ट्रिक और पांचवा है से। ये सारे वर्ड में से यहां तक वर्ड सबके सब रिलेटेड वर्ड्स हैं, रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू कजोल, इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं भाई, मैं पहले बता दूं सारे के सारे वर्ड, मतलब पर्यायवाची जैसे वर्ड्स हो सकते हैं कुछ हद तक, जितने वर्ड अगर सोचा जाए तो मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो इस वर्ड के तकरीबन बिल्कुल सिमिलर, जिसे कहते हैं आप पर्यायवाची में सबसे ज़्यादा क्लोज है, हमें वो आंसर देना होगा। और रितिका जी ने तो आंसर दे दिया है, दैट्स अ थम्स अप टू यू रितिका, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है, क्योंकि जब हम कहते हैं कजोल तो इस वर्ड का एक मतलब और होता है कोएक्स, या इस वर्ड का एक मतलब तो ये हो गया COAX, कोएक्स हो गया, और इसके अलावा भी इसके और मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को किसी कार्य को करने के लिए तैयार करते हैं, उसे जो है आप समझा के उस काम के लिए तैयार करते हैं, अगर आप उसे बहला फुसला के उस कार्य के लिए तैयार करते हैं तो आप उसे ट्रिक करते हैं, अगर आप उससे ज़बरदस्ती कोई कार्य कराते हैं तो आप उसे पुश या फोर्स करते हैं, अगर आप कहते हैं किसी कार्य के लिए तो आप से कहते हैं, या टेल, कोई स्टोरी बतानी हो तो आप उसे टेल कहते हैं, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को समझा बुझा के किसी कार्य को करने के लिए कन्विंस कराते हैं तो आप उसे कजोल करते हैं। कजोल का मतलब है अपनी बात को जोर देते हुए कहना, उस चीज़ को समझाते हुए कि उस कार्य को करने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाए, परसुएड। तो इसीलिए परसुएड एक पॉजिटिव वर्ड है, कजोल भी एक पॉजिटिव वर्ड है, पुश और फोर्स और ट्रिक ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं ये जो हैं निगेटिव बात को ज़्यादा सामने लाते हैं, इसीलिए परसुएड वर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी, लेकिन परसुएड वर्ड जनरली पॉजिटिव सेंस में, कन्विंस और परसुएड जो हैं पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड हैं, प्लीजिंग के सेंस में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा सिनोनिम ये होगा, ये भी हो सकते हैं लेकिन ये जो हैं ज़्यादा क्लोज क्लोज सिनोनिम्स हैं, ठीक है, आसपास ज्यादा हैं ये दोनों के दोनों वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कैटलॉग, ठीक है, कैटलॉग जब हमने कहा तो कैटलॉग का क्या मतलब निकलेगा, देखिए कैटलॉग के लिए ऑर्डर है, ऐसे है, लिस्ट है, काम है या रिकॉर्डेड है, इनमें से कोई एक वर्ड सबसे बेहतर आंसर हो सकता है इसका। लेट्स सी कौन सा वर्ड यहां पर सही बैठ रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल वोकैबुलरी है, जनरलाइजेशन के वर्ड्स हैं जिनमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। डिसीव, परसुएट, कजोल, यस, कजोल और परसुएट ज़्यादा करीब है, बहुत अच्छा रितिका जी, और जो डिसीव है ये धोखा देने से रिलेटेड है, डिसीव का मतलब होता है किसी को छलना, धोखा देना, ट्रिक करना,
तो डिसीव उससे ज्यादा रिलेटेड है। रिकॉर्डेड आपने कहा, ये अपनी जी ने इसके लिए कैटलॉग का मतलब रिकॉर्डेड हो गया आपने कहा। चलिए आपका आंसर जो है वो आपके हिसाब से ये टिक कर देते हैं जो आपने कहा है। लेट्स सी बाकी के लोग क्या आंसर देते हैं। ये नाउन है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ब भी है नाउन भी है, हो सकता है ये वर्ब के सेंस में आता है, ये नाउन के सेंस में ज्यादा आता है, ये नाउन है, ये नाउन और वर्ब की तरह आता है, फंक्शन करता है, और ये वर्ब है, ठीक है। तो एग्जैक्ट, ओके, रितिका जी ने भी आंसर दिया है लिस्ट, और करण जी ने भी आंसर दिया है लिस्ट, वेलकम टू द सेशन करण जी। अब यहां पर देखिए आंसर क्या है, कैटलॉग का मतलब क्या होता है, कैटलॉग का मतलब होता है इंडेक्स, वर्ड आपने सुना होगा, इंडेक्स प्रोवाइड करना, इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, लिस्ट होती है किसी चीज को करने की, जैसे आपने देखा होगा किसी जगह पर इंडेक्स दिया होता है कहीं पर, स्टार्टिंग में कैटलॉग होता है, लोग कहते हैं भाई कैटलॉग तो लाओ देखें तो क्या क्या डिटेल्स है, डिटेल्स ऑफ समथिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स के फॉर्म में किसी चीज की जब डिटेल्स दी जाती है, एक कैटलॉग बिल्कुल वही काम करता है जो एक ब्रोशर, वर्ड सुना होगा आपने ब्रोशर, ब्रोशर जो होता है किसी भी संस्था का होता है जिसमें यह लिखा होता है कि जिसमें समराइज किया गया होता है, बिल्कुल सही आपने कहा, क्लासिफाई किया गया होता है, लिस्ट दी गई होती है कि हमारे यहाँ क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं हमारे प्रोग्राम या हमारे पर्टिकुलर जो भी चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं उसके लिए, तो ये कैटलॉग एक्चुअल में लिस्ट होती है। हाँ, इसका एक सिनोनिम रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड नाउन है और रिकॉर्डेड क्या है, वर्ब है, तो मीनिंग बदल जाएगा, देखो भाई ईडी लगा, ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, रिकॉर्ड का मतलब रिटन रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है, अगर रिकॉर्ड लिखा होता तो आंसर हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डेड है लिखा हुआ इसलिए ये आंसर नहीं होगा, और इसीलिए आंसर होगा लिस्ट। नेक्स्ट देखिए, हॉलिजन, अब हॉलिजन हम कहते हैं तो हॉलिजन के लिए क्या वर्ड हो सकता है, असिस्टेंस हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, थग हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकता है, और फेथफुल हो सकता है, इनमें से कोई भी एक वर्ड के आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर हम बात करते हैं होलिजन, तो होलिजन का मतलब होता है नेगेटिव, चोर बदमाश के हिसाब सेंस में यूज होता है, असिस्टेंस का मतलब तो मदद हो गई, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करे, हिंड्रेंस का मतलब हो गया अवरोध, मतलब आप कहते हैं डेड ब्लॉक, डेड ब्लॉक होना किसी चीज के लिए अवरोध हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस हो गया, फेथफुल तो आप जानते ही हैं, तो आंसर थग इसके लिए सबसे सही बैठेगा, क्योंकि बदमाश या गुंडा जो वर्ड हिंदी में बोलते हैं हम, उस वर्ड को अंग्रेजी में आप होलिगन या आप कह सकते हैं होलिगन या होलिगनिज्म कहा जा सकता है, होलिगनिज्म मतलब गुंडागर्दी होता है, ठीक है, तो होलिगन जो वर्ड है ये हिंजे थग का सबसे, लोग कहते हैं अरे वो तो ही जस्ट था कि होलिगन मतलब बदमाश है, गुंडा है, और क्रिमिनल का ही एक सिनोनिम है ये, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर देखिए बैठा दैट इज थग, होलिगन का मतलब नॉर्मली होता है वायलेंट या रॉडी, दैट इज रॉडी बिहेवियर बाय अ यंग ट्रबल मेकर्स, या कह सकते हैं आप गैंग के द्वारा जो ट्रबल किया जाता है, तोड़फोड़ करना, बदमाशी करना, लोगों को परेशान करना, इस सेंस में मीनिंग जो है निकाला जाता है, तो ये होलिगन एक निगेटिव नकारात्मक वर्ड है जिसके लिए जो है थग वर्ड सबसे सही बैठेगा, हिंड्रेंस भी एक नकारात्मक है, लेकिन हिंड्रेंस का मतलब होता है अवरोध, आपके बढ़ने के रास्ते को रोक दिया किसी चीज ने, तो दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस, अवरोध लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं एमिलोरेट, ये आपको पैसेजेस में बहुत ज्यादा मिलेगा एमिलोरेट, ठीक है, वर्सन, रिजेक्ट हो गया, एमेंड हो गया, इंप्रूव हो गया, रिड्यूस हो गया, ये चार वर्ड आपके सामने हाजिर हैं इसके पर्यायवाची के रूप में, जिसके बाद हम नाउन शुरू करने जा रहे हैं। रोवड़ी गैंगस्टर, देखिए डॉन, बिल्कुल सही रितिका जी, आपने बहुत सारे सिनोनिम दे दिए, दैट्स वेरी नाइस। ये जो है ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, और नाउन भी है, और ये वर्ब है, और ये जो है वर्ब है, तो ये तकरीबन सारे वर्ड्स वर्ब ही हैं, ठीक है,
एमिलोरेट वर्ड जो है वो इस सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है कि किसी खराब स्थिति को सुधारने की प्रयास जो किया जाता है वो एमिलोरेशन या एमिलोरेट कहलाता है। टी आई वन कर देंगे तो नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा ये, ठीक है। एमेंड भी हो सकता है, रितिका जी ठीक आपने कहा कि एमेंड भी एक पॉसिबिलिटी है। एमेंड का मतलब संशोधन होता है, संशोधन का मतलब क्या होता है, चेंज। लेकिन जब आप एमेंड या चेंज करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे सुधारें ही, हो सकता है चेंज करने से वो चीज़ पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इस लॉजिक को अगर ध्यान में रखेंगे तो उसके हिसाब से एमिलोरेट के लिए आंसर क्या बनता है, देखिए इम्प्रूव, क्योंकि एमिलोरेट एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब है टू मेक समथिंग सच एज अ प्रॉब्लम बेटर या लेस पेनफुल। एमिलोरेट द सिचुएशन कहा जाता है, मतलब उस सिचुएशन को बेहतर करना, उसे पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करना। अब किसी चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो उसमें एमेंडमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है तो ही एमिलोरेशन या एमिलोरेट होना कहलाएगा। तो इसीलिए जो वर्ड है, बेटर वर्ड है, वो है इम्प्रूव, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, आपने आंसर्स के सजेशंस प्रोवाइड किए हैं। तो एमिलोरेट जो है इसको ज़्यादा अप्लाई करता है, और जो ये वर्ड आप देख रहे हैं ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये पार्शली करेक्ट है, ठीक है। ये वर्ड पार्शली करेक्ट है, और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये वर्ड जो है 100% करेक्ट है इसके मीनिंग के हिसाब से, जो इसका मीनिंग है, ठीक है, इसको फेवर ये ज्यादा करता है, ठीक। तो इस वजह से ये एक इट इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक। चलिए अब इसके बाद सीधे आ जाते हैं नाउन में। तीन रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, चौथा रूल देखिए, एपोस्ट्रॉफी एस जो है उसके बाद एस यूज करना आफ्टर यूनिट्स ऑफ टाइम डिस्टेंस एंड काउंटेबल नाउंस लाइक रुपीज और बुक्स के पहले या उसके बाद एस यूज करेंगे तो किस तरीके से, कैसे यूज करेंगे। वी गेव हिम 200 रुपीज, टोटल अमाउंट है। ही गेव मी अ 200 रुपीज नोट। इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार हम रीड कर लेते हैं। ही गेव माई एल्डर ब्रदर अ 200 रुपी नोट To buy some notebooks. One note of 200 was given. He traveled 200 kilometers in total. It was a 200 kilometer journey. One journey. ध्यान रखिएगा जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है, ये जितने भी सर्कल्स आपको देख रहे हैं ये जो लिखी गई बात है उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, कि मीनिंग निकल के आ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये मीनिंग जो है ये आपको इन पॉइंट से मिलेगा। ये अगर आप कह रहे हैं टोटल अमाउंट किसी को दिया गया है 200 रुपए, तो 200 का न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये प्लूरल जैसे ही होती है तो इसके बाद का जो नाउन होता है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक। जैसे 200 का तो रुपीस प्लूरल होना ही है क्योंकि टोटल अमाउंट की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने अ लगा दिया तो 200 के बाद अब रुपीस जो वर्ड है, ही गेव मी अ 200 रुपीस नोट नहीं, 200 रुपी नोट हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिंगुलर होगा, क्योंकि एक नोट दिया गया है। तो जब एक नोट दिया गया है तो भले ही 200 रुपये उसके अंतर्गत आते हों, लेकिन नोट की संख्या तो एक ही है। तो जब नोट की संख्या एक होती है तो ए लगते ही एन भी हो सकता था, ए एन में से कुछ भी होते ही न्यूमेरिकल वैल्यू के प्लूरल होने के बावजूद जो ये नाउन है, ये जो रुपीस है, रुपीस का सिंगुलर हो जाएगा रुपी, क्योंकि अब एक नोट की बात की जा रही है। He gave my elder brother a 200 rupee note. अब ये sentence सही है to buy. यहाँ पर जो है आपने one note of 200 was given. यहाँ पर इसे explanation के साथ हमने लिख दिया है. Next में he traveled 200 kilometers. तो in total है, मतलब आप देखिए ये जो word है ये fourth और first बिल्कुल same है. Same meaning दे रहे हैं दोनों के दोनों, बिल्कुल same meaning दे रहे हैं। और इसी के मुकाबले में सेकंड और थर्ड अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड और थर्ड जो है इनका लॉजिक सेम है, इसको एक्सप्लेन ये वाला कर रहा है। फिफ्थ में इट वाज अ 200 किलोमीटर जर्नी, ये सेंटेंस सही है क्योंकि अ लगता ही 200 भले ही प्लूरल था,
लेकिन किलोमीटर हो गया है, एक जर्नी की बात की गई है। वो एक यात्रा 200 किलोमीटर की यात्रा थी, यात्रा तो एक ही थी, भले ही 200 किलोमीटर क्यों ना चला गया हो। इस वजह से ये जो सेंटेंस का पॉइंट है, ये वाला दिस वन, वो इन्हीं को, इसको और इसको ही फेवर कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से इसके कुछ करेक्ट और जस्टिफाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। फटाफट देख लीजिए अपने हिसाब से क्या समझ में आता है। प्लीज गिव दैट ओल्ड मैन अ 10 रुपी नोट। द किड हैज अ 50 रुपी नोट। Yesterday it was just a 2 hour meeting. All these things are not mentioned in our 5 year plan. The meeting went for about 5 hours. A gang of workers is having lunch in the canteen after the morning shift. ठीक, और उसका mob of people is peacefully waiting outside the theater for the celebrity. अब यहाँ पर आप इसे करेक्ट करिए या इसे जस्टिफाई करिए सेंटेंसेस को। अगर आपको लगता है नो एरर है तो नो एरर लिख लीजिए, अगर आपको लगता है एरर है तो फिर हम एरर की बात करते हैं कि एरर क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फटाफट देख लीजिए, सेंटेंसेस बहुत मुश्किल नहीं हैं, हल्के फुल्के सेंटेंसेस हैं। आप देख रहे हैं ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, सारे सेंटेंसेस जो हैं वो कोई बहुत मुश्किल सेंटेंसेस नहीं हैं, बस नाउन के पॉइंट को कवर अप करने के लिए हैं। तो लेट्स सी क्या आंसर है आपका हिसाब से। सिक्स्थ करेक्ट है, सेवन्थ करेक्ट है आपका कहना है। चलो भाई देख लेते हैं, आपके हिसाब से सिक्स्थ और सेवन्थ करेक्ट है। ठीक है, और आपने करेक्ट है, हमने करेक्ट लगा दिया। प्लीज गिव दैट ओल्ड मैन अ 10 रुपी नोट। तो नोट, नोट की संख्या तो एक ही है, तो 10 रुपी ही रहेगा, यहां एस नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। सेवेंथ वाला, अ 50 रुपी नोट। तो नोट की संख्या तो वन नोट ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। एट में 2 आवर्स मीटिंग होना चाहिए, एट वाले में इट वॉज जस्ट अ 2 आवर मीटिंग। 2 आवर्स मीटिंग इसलिए नहीं होगा, इट वॉज अ 2 आवर मीटिंग, क्योंकि बात मीटिंग की कही गई है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस भी सही है, इट वॉज जस्ट अ 2 आवर मीटिंग, क्योंकि वन मीटिंग ऑफ 2 आवर्स है। तो मीटिंग तो एक ही है, भले ही 2 घंटे चली हो, इसीलिए यहां आवर्स नहीं हुआ, इट वॉज अ 2 आवर मीटिंग। अगर आप कहते हैं द मीटिंग वेंट ऑन फॉर 2 आवर्स, तो बात अलग हो जाती है। अभी इस सेंटेंस को ऐसे लिखते, मीटिंग 5 घंटे चली है, तो 5 आवर्स हो जाती फिर, लेकिन अ लगा है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके आते ही ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मैंशनड इन अवर 5 ईयर प्लान, ये दैट इज नाइन्थ करेक्ट है। नाइन्थ करेक्ट है, बिल्कुल सही। रितिका जी ने कहा एट्थ करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक, मान लिया। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, और इसमें क्या है, भाई इसका भी तो कुछ पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। ओके, 5 ईयर्स प्लान, 5 ईयर प्लान है, इन अवर 5 ईयर प्लान। अब देखिए यहाँ दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन इन अवर 5 ईयर प्लान, तो आप एक प्लान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसे सिंगुलर ही रखेंगे। ठीक है, 5 ईयर्स नॉर्मली हम कहते हैं, इट वॉज 5 ईयर्स, देर आर सेवरल 5 ईयर प्लान्स, तो आप कहते हैं 5 ईयर एक कंटेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा। ये एक कंबाइंड लॉजिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंबाइंड लॉजिक है ये। ठीक है,
ओके करण जी का इट वॉज अ मीटिंग ऑफ 2 आवर्स. अब यहाँ देखिए द मीटिंग वेंट ऑन फॉर अबाउट 2-5 आवर्स सेंटेंस, क्योंकि टोटल बोल रहे हैं आप, टोटल है तो ये सही है. अ गैंग ऑफ वर्कर्स, या यहाँ पर बताइए 11th वाले में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि 11th वाले की पॉसिबिलिटी कंफ्यूज करने वाली हो सकती है. ठीक है, इसमें कई जगहों पे लोग इसे 5 आवर्स भी बोल देते हैं. ठीक है, बोलते समय दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन इन अवर 5 ईयर्स प्लान. लेकिन जब ये वर्ड ऐसे बोला जाता है, ये लिखा कई जगह जाता है लेकिन इसको यूज़ नहीं करना चाहिए. यही तो पॉइंट है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है. अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या होगा, वर्कर्स हैं तो वर्कर्स के ग्रुप को गैंग थोड़ी कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्कर्स. इसी तरह से शांतिप्रिय भीड़ है, देखिए पीसफुल भीड़ है बाहर खड़ी हुई, तो पीसफुल भीड़ जो है सेलिब्रिटी का इंतजार कर रही है, तो शांतिप्रिय भीड़ है अगर लोगों की तो उसे मॉब थोड़ी कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, क्राउड कहा जाएगा उसको. ठीक है भाई, कई लोगों की भीड़ बाहर इंतजार कर रही है तो शांतिप्रिय भीड़ इंतजार कर रही है. अगर वो तोड़फोड़ करने वाली होती, गुस्से में होती या भड़की भीड़ होती तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिर मॉब. मॉब जो है वो वायलेंट भीड़ को कहा जाता है, शांतिप्रिय भीड़ को मॉब नहीं कह सकते आप. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, देखिए क्या आंसर वाला पॉइंट था यहाँ पर. जैसा मैंने बताया था यहाँ गैंग की जगह पर ग्रुप सही होगा, क्योंकि आप वर्कर्स के लिए ये बात कह रहे हैं. वर्कर्स का गैंग नहीं होता, गैंग किसका होता है, गैंग्स होता है थग्स का होता है, या आप कह सकते हैं कि किसका होता है, क्रिमिनल्स के लिए गैंग वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है, उनके लिए मॉब निगेटिव होता है, बिल्कुल सही, निगेटिव होता है मॉब, इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया सकता. और यहां पर इसीलिए मॉब की जगह क्या हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा, क्योंकि पीसफुली वर्ड आ रहा है, लोगों के लिए आ रहा है पीसफुली, तो हम क्राउड कहेंगे फिर. ठीक है, गॉट इट. चलो भाई इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. अब देखो रूल वाला 5, 6 और 7 रूल है, ये जल्दी जल्दी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 5, 6 और 7 रूल में. सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट टेक अ प्लूरल वर्ब आफ्टर देम. कुछ ऐसे नाउन होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन वर्ब उनके साथ आता है जो प्लूरल आता है, जैसे नोबिलिटी, क्लर्जी, जेंट्री, कैटल, पीजेंट्री, सब के सब कलेक्टिव सिंगुलर फॉर्म प्लूरल वर्ब्स. ध्यान रखिएगा नोबिलिटी, क्लर्जी, जेंट्री, कैटल, पीजेंट्री सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, सिंगुलर फॉर्म में है, सबके सब सिंगुलर आपको दिख रहे हैं लेकिन प्लूरल वर्ब के साथ आते हैं ये सारे के सारे. ध्यान रखिएगा सिंगुलर देखने में है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि इनके साथ आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, वर्ब तो भाई प्लूरल ही लेना पड़ेगा. क्योंकि पुराने जमाने में सबसे टॉप पोजिशन, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए यहां पर किंग जो है सबसे टॉप पोजीशन हुआ करती थी सोसाइटी की, किसी जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब किंग के बाद उससे कुछ नीचे आता था कौन, उसके बाद जो आता था वो था नोबिलिटी. ये सेक्शन सेक्शन ऑफ सोसाइटी था. जब राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे तो किंग के बाद सेकंड नंबर पे जो पोजीशन आता था उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते थे, आजकल के आप कह सकते हैं डिप्लोमेट्स हो गए, फॉरेन डिग्नेटरीज हो गए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वो सब के सब नोबिलिटी की क्लास में आते थे उस जमाने में. किंग के बाद ये पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर नोबिलिटी होती थी, तीसरे नंबर पर आता था CLERGY, मतलब प्रीस्ट्स का ग्रुप, पुजारियों के समूह को क्लर्जी नाम से जाना जाता था. ये बड़े बड़े गिरजाघरों में पूजा पाठ कराते थे और राजा के साथ उठते बैठते थे, इसलिए उनके पास बहुत नाम शौहरत पैसा होता था, करप्शन भी बहुत होता था.
तो किंग के बाद सेकंड नंबर पे नोबिलिटी क्लास आती थी, उसके बाद आता था क्लर्जी क्लास। ये पुजारियों के समूह कहते हैं, ये नोबल्स के समूह को। नोबल्स का मतलब होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राजा के सलाहकार होते थे, राजा के साथ उठते बैठते थे, तो इसीलिए उनके पास काफी पावर, पैसा, नाम, शोहरत होती थी, भाई राजा के साथ उठते बैठते। इसके बाद आता था चौथा, सेकेंड पार्ट ये था, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ हो गया पीजेंट्री। ये किसके लिए है? फार्मर्स का जो ग्रुप होता है उसे पीजेंट्स या पीजेंट्री कहा जाता है। इसमें गरीब किसान हुआ करते थे, जो सबसे ज्यादा दबा कुचला वर्ग था इंडिया में। 200-400 साल पहले भी किसानों की हालत खराब थी, और आज भी किसानों की हालत खराब ही है हमारे देश में। ऑस्ट्रेलिया में किसान का मतलब है बहुत पैसे वाला इंसान होना, इंडिया में किसान का मतलब है गरीब व्यक्ति होना। ये अंतर है हमारे देश की, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो सबका पेट भरता हो बेचारा खुद जो है खाली पेट सोता है। तो पहला पार्ट ये, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड देख रहे हैं, ये इसका मतलब होता है ग्रुप विद अ गुड या बैड मेंटेलिटी, अच्छी या बुरी मानसिकता के साथ लोगों का भीड़ कहीं पर जमा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम जेंट्री। ध्यान रखिएगा, जेंट्री के साथ प्लूरल वर्ब आता है, किंग, नोबल, क्लर्जी, प्रेजेंट्स। बहुत बढ़िया कृतिका जी, सही ऑर्डर में आपने लगाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, किंग हो गया, उसके बाद नोबल्स हो गए, नोबल नोबिलिटी हो गई, उसके बाद क्लर्जी, फिर जैन, फिर पीजेंट्री, इस तरह हो गया। और कैटल जो है आप जानते ही हैं, मवेशियों को कहते हैं। ठीक है, तो इनके साथ, इन सब के साथ ध्यान रखिएगा, प्लस IAS नहीं जोड़ा जाएगा। नोबिलिटी का नोबिलिटीज, क्लर्जी का क्लर्जी, जेंट्री का जेंट्रीज, कैटल का कैटल्स, और पीजेंट्री का पीजेंट्रीज नहीं होना चाहिए। ये देखने में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म के हैं, लेकिन वर्ब प्लूरल लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये इस पॉइंट का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद हम आते हैं सिक्स रूल पे। सम नाउन्स आर प्लूरल फॉर्म बट टेक सिंगुलर वर्ब्स, इनके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। देखो, मैथमेटिक्स TICS, फिजिक्स, जिमनास्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनिंग्स, एथिक्स, ये सब के सब देखने में कैसे हैं? फॉर्म इनका कैसा है? प्लूरल फॉर्म है, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लेंगे, ध्यान रखिएगा। ये देखने में प्लूरल है, TICS, एस पे आते ही, एस पे आते ही, ये सब देखने में क्या लग रहे हैं? देखने प्लूरल लग रहे हैं। मैथमेटिक्स आप जानते हैं प्रॉपर नाउन है, फिजिक्स प्रॉपर नाउन है, खेलों के अलग अलग ग्रुप को एक मिला के कंबाइंड जिम्नास्टिक कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स एक सब्जेक्ट है, मैथ से रिलेटेड है, अकाउंट्स रिलेटेड है। इनिंग्स नाम का वर्ड होता है, इनिंग नाम का वर्ड ही नहीं होता अंग्रेजी में, इनिंग्स होता है, इसे लिखा ही प्लूरल जाता है, जो हम क्रिकेट खेलते हैं उस वाले में, ठीक है, उसमें उसको प्लूरल ही लिखा जाता है। दोनों तरफ के लोगों ने एक एक बार बैटिंग बॉलिंग कर ली तो क्या कहा गया? इनिंग्स कहा गया, वन इनिंग नहीं, इनिंग्स कहा जाता है। एथिक्स का मतलब होता है एक तरह से मॉरल वैल्यूज, किसी भी चीज को लेकर के जो आपके अंदर सही गलत का डिसीजन लेने वाली होती है। लोग कहते हैं भाई तुम्हारी कोई एथिक्स ही नहीं है, मतलब कोई उसूल नहीं है। एथिक्स की अंग्रेजी क्या हो गई? जो अंग्रेजी एथिक्स है इसका हिंदी क्या हो गया? उसूल हो गया इसका, ठीक है, उसूल मीनिंग हो जाएगा इसका, उसूल। तो ये सब के सब देखने में प्लूरल है, लेकिन वर्ब सबके साथ क्या आएगा? सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब्स। सेवेंथ वाला कहता है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स आफ्टर देम। अब कुछ ऐसे नाउन है जिसके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही फॉर्म का यूज किया जा सकता है, खुद देखने में सिंगुलर होते हैं। जैसे भेड़, शीप, हमने कहा डियर, हिरन, हमने कहा स्वाइन मतलब अ पिग, और फिश है, हेयर है, इनको जनरली प्लस एस ई एस या आई ई एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनता है, नो प्लूरल फॉर्म जनरली, ठीक है।
शीप का शीप्स नहीं, डियर का डियर्स नहीं, स्वाइन का स्वाइंस नहीं, फिश का फिशेस नहीं, और हेयर का HAIRS नहीं यूज़ होता है। इनको प्लूरल लिखा ही नहीं जाता है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, इनको प्लूरल नहीं लिखा जाता है। रितिका जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर स्टेट्स करेक्ट है या स्टेट्स। देखिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के बाद उसे पजेसिव नाउन बना करके कह रहे हैं तो इन दैट केस आप स्टेट्स STATES और उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन अगर आप उसे कह रहे हैं सिर्फ स्टेट्स, देयर आर सेवरल स्टेट्स, तो STATES प्लूरल ही रहेगा, फिर तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे अगर स्टेट्स के सामने, अगर अ स्टेट्स प्रॉब्लम आप कहते हैं। देखिए, अ स्टेट्स प्रॉब्लम सही है, हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये भी सही है। अब आपने कहा यूनाइटेड, तो यूनाइटेड स्टेट्स तो ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो फिर एपोस्ट्रॉफी लगेगा, अलग से ऐसे ही लगेगा, फिर तो ऐसे लगेगा। और अगर आप कहते हैं अ स्टेट्स, तो एक स्टेट आप सिंगुलर कह रहे हो, सिंगुलर में तो पूरा एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगेगा। इस तरह से ये लॉजिक जो है फॉलो किया जाता है, ध्यान रखिएगा, दोनों के अपने अपने लॉजिक के बेस पे होता है हर चीज, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद लॉजिक। ठीक है, तो लास्ट वाले में इन सारे के साथ, लेकिन हाँ, बोथ वर्ब सिंगुलर भी होता है इनके साथ और प्लूरल वर्ब भी होता है, दोनों प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल इनके साथ किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये देखने में जो है सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल सिंगुलर दोनों आ सकता है। आप ये भी कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं ऐसे, अ शीप इज देयर या मतलब ध्यान रखिए अ, इसको हम इस तरह से बल्कि ऊपर लिख देते हैं, ये इस पॉइंट को मैं यहां लिख दे रहा हूं, अ शीप या स्वाइन या डियर या फिश या हेयर, और अब मैं ये भी कह सकता हूं कि मैनी फिश या, तो अ के साथ शीप अ स्वाइन अ डियर अ फिश अ हेयर सही है। और मैं भी कह सकता हूं मैनी शीप मैनी स्वाइन मैनी डियर मैनी फिश और मैनी हेयर, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। हम इसको गलत साबित नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज बिल्कुल की बिल्कुल सही बैठती हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर प्लूरल में अपने फॉर्म को नहीं बदलते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से फॉर्मेट में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पांचवा रूल, छठा रूल और सातवां रूल, तीन रूल्स हमने और डिस्कस किए हैं, और कल के क्लास में इन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्लास। साथ में यूनिवर्सल वोकैबुलरी चलती रहेगी, जैसे बताया था डिटेल में है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो स्टे ट्यून्ड, कल के क्लास में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। ठीक है, आई होप आपका सेशन आज का अच्छा रहा, आपको समझ में आई चीज़ें, हमने कोशिश की बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन वोकैबुलरी कल काफ़ी ट्रिकी होने वाली हैं, ये मैं आपको पहले से बता दूं, वोकैबुलरी ट्रिकी होंगी कल। ठीक है, तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, आज यहीं इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू एंड टेक केयर। आप ही की डिमांड पर IBPS की ह्यूज वैकेंसी को देखते हुए आपका ब्रह्मास बैच ज्वाइन करिए अब नए जोश के साथ, नए समय पर, डेली सुबह 7 बजे से 9 बजे तक।